मित्रों बिना किसी भूमिका के मुझे कुछ सूझबूझ में नहीं आया तो अभी कुछ नहीं कभी हूं न कविता को कभी सीखा सजाना है कि भाव आ जाए अधरों पर तो शब्दों का खजाना है कि बजे जब उर्दी वीणा तो झनकृतदार हो मन के कलम ने लिख दिया जो कुछ उसे ही गुनगुनाना है कि सौर साहस सतत के प्रतिकार थे क्वालिटी थी जैसा कभी एक टिप्पणी किया था शशिराज ने क्यों शब्दवादी थे मैंने भी उनसे अनेकानेक जावियां शुरू में गाई हैं जो कि मैं इम्प्लाई था मुझे फुर्सत नहीं मिली मैं पीछे हट गया लेकिन आइए शौर्य साहस सतत के प्रतिकार थे हर किसन की ऐसे कीर्तनकार थे शौर्य साहस सत उपकार थे हर की संगीत ऐसे कीर्तनकार थे देखिए सभी कीर्तनकार कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं लेकिन दादा हरिकृष्ण जी के सामने मैंने बहुत कठिन से कठिन चूंकि मैं कीर्तन का किसान हूं और मेरी अपनी दृष्टि में पूर्ण कलाकार अगर कोई संज्ञा थी तो दादा हरिकृष्ण थे क्या बात पूर्ण कलाकार और कोई लिख लेता तो गा नहीं लेता गा लेता तो बजा नहीं लेता तमाम संगतियां लेकिन दादा हरिकृष्ण जी पूर्ण कलाकार थे और अंतिम क्षण तक कण की तरह से लड़ने की उनमें जज्बा था क्या बात अंतिम क्षण कभी उन्होंने पराजय स्वीकार नहीं की वो एक इतने पुरोधा थे कीर्तन जगत में सुनिए कल्पना को सजाते साज थे कल्पनाओं का सजाते साज थे कल्पनाओं का सजाते साज थे त्वरित कीर्तन में किसन में ताज थे त्वरित कीर्तन में किसन में ताज थे आपको मैं देखता हूं तमाम
डिजाइनर डिजाइनर कीर्तनकार हो गए। क्या बात, तमाम डिजाइनर कीर्तनकारों ने जन्म ले लिया है, अच्छी बात है। लेकिन उन्हें दादा किशन को स्मरण करना चाहिए। जय हो। कल्पना का सजाते साथ थे त्वरित कीर्तन में किशन में ताज थे, मां सारदे कुछ सारदे से कुछ मिले अधिकार थे। दादाजी को मास्टर सुती जी ने उनको कुछ अलग से दे रखा था। उनके मस्तिष्क की जो नस थी, उनकी ग्रंथि थी, उसको मैंने बहुत करीब से परखा है मित्रों। शारदे से कुछ मिले अधिकार थे, हरित संगी ऐसे मेरा कोई अभ्यास नहीं है, इस समय मौसम ने भी दबा रखा है। जो अंधेरों में उजाला कर गए, वो उनकी आईसाइट नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका तीसरा नेत्र बहुत ही कुशाग्र बुद्धि से किसी चीज की रचना करते थे। बुद्धि सबके पास है, लेकिन दादा कुशाग्र बुद्धि के प्रबल। जो अंधेरों में उजाला कर गए, काम कुछ ऐसा निराला कर गए, काम ऐसा निराला कर गए। दीक्षित जी, आप उनके शिष्य हैं, अनुरोध करूंगा कि आप सुने। सूरवीरों की प्रबल हुंकार थे, सूरवीरों की प्रबल हुंकार थे, और साहस के सच्चे पर ये कहते थे कि मैंने कीर्तन की रचना करना कमल गुरु से सीखा। क्या बात। और उन्होंने एक ऐसी उपाधि दी कि व्यक्ति अपने कर्मों के फल को सोच करके भगवान के सामने रोना, ऐसी उपाधि की सब में हिम्मत नहीं श्रीमान जी कि अपने कर्मों को याद कर भगवान के सामने रोना कीर्तन है। क्या बात। मैं तो स्तब्ध हो गया जब उनकी इस भाषा को सुना। कभी सुने नीति नुपुण कमल गुरु आदर्श थे, हर किशन की जान के निस्तर्श थे। कीर्तन के सपने सदा साकार थे, हर संगी ऐसे कीर्तन का, हर संगी ऐसे कीर्तन का थे, हर संगी ऐसे कीर्तन का थे। शस्त्र प्रमाण करता हुआ उस जीवात्मा को जो हमारे बीच में, उनका शरीर तो नहीं है लेकिन उनके आदर्शों को हम सभी को अनुकरणीय होना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ
अपने वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, ये जो सम्मान है ये मेरा नहीं।